हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रिंस, और स्वागत है आपका क्रिएटो लैब्स के एकदम ही नए एपिसोड में। आज के एपिसोड को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं हैक लैब के अंदर। हैक लैब के अंदर क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कीबोर्ड परफॉर्मिंग रैंडम टास्क। अब वो क्या टास्क है और क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है और क्या सॉल्यूशन है उसका, वो हम लोग देखेंगे आगे। पर उससे पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ PS5 के बारे में। जी हाँ, PlayStation इंडिया ने जो है, सोनी इंडिया ने अनाउंस कर दिया है अपने ट्विटर हैंडल पे कि जो कॉन्सोल है वो 2 तारीख को लॉन्च होने वाला है और 12 तारीख को प्री बुकिंग्स चालू हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और आगे वीडियोस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं ये एपिसोड। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले रेगुलर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ ये हो गई सारी बातें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करना तो यार, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको टाइटल में बताया, कीबोर्ड इज़ परफॉर्मिंग रैंडम टास्क इंस्टीड ऑफ टाइपिंग। तो यहाँ सिंपल सी प्रॉब्लम यह है कि विंडोज़ के जितने नए बिल्ड आए हैं, आप अगर मल्टीमीडिया या गेमिंग कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं और किसी मैक्रो की को असाइन कर रहे हैं विंडोज़ के कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए विंडोज़ प्लस एल जो है लॉक स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के बाद जो है, अगर आप मैक्रो की को असाइन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आपके जो जनरल टाइपिंग है वो बंद हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, और कीबोर्ड जो है डायरेक्टली इन विंडोज़ के कॉम्बिनेशन में जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं उसको यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म करने लगता है। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ एग्जांपल के लिए। अभी मान लीजिए मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स वाई जेड जो भी यहाँ आप देख सकते हैं, मजाक के लिए था, इसको माइंड मत करना। अभी मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें जनरली टाइप हो रही है, नॉर्मली टाइप हो रही है यहाँ पे। और अब हम लोग लिखते हैं लव यू 3000, जो कि आयरन मैन से फेवरेट एक कोट है मेरा। तो यहाँ मैं आपको लव यू 3000 लिख के दिखाता हूँ। देखिए, नंबर कीज़ और सारे जो अदर कीज़ हैं वो सही वर्क कर रहे हैं, पर ये जो चीज़ है ये कब बंद हो जाएगी या कब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी रैंडम ऑपरेशंस वाली, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ जैसे कि विंडोज़ एल जो मैंने असाइन कर रखा है P5 को, जो कि मैक्रो की है मेरे कीबोर्ड में, गेमिंग कीबोर्ड में, अब मैं अगर अपना जो डेस्कटॉप है वो अनलॉक करता हूँ, तो देखिएगा अब फाइनली मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा और आपको भी समझ में आएगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जैसे ही स्पेस दबाया तो लैंग्वेज सेलेक्शन का जो ऑप्शन है वो आने लगा था। क्यों आने लगा था? क्योंकि विंडोज़ प्लस स्पेस से ये ऑप्शन आता है, बट यहाँ डायरेक्टली स्पेस बार से परफॉर्म कर रहा था। अब मैं एस दबाऊँगा तो जो है विंडोज़ सर्च ओपन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ ई दबाऊँगा तो एक्सप्लोरर जो है ओपन होने लगेगा, पी दबाऊंगा तो जो प्रोजेक्टर्स हैं और जो स्क्रीन ऑप्शंस हैं वो आपको आने लगेंगे बिना किसी विंडो की को प्रेस किए। ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ दिखने लगेंगे। तो टाइपिंग जो है मेरी यहाँ डिसेबल हो गई है, देख सकते हैं आप। जैसे ही मैंने ई प्रेस किया तो यहाँ एक्सप्लोरर ओपन हो गया, यहाँ पे और दूसरी चीज़ें परफॉर्म होने लगी टाइपिंग को छोड़ के। तो यार, काफ़ी टाइम तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और अगर आ भी गया था तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पर काफ़ी टाइम जो है रिसर्च करने के बाद मुझे 2 सॉल्यूशंस मिले इसके। तो यहाँ मैं 2 सॉल्यूशंस लेके आया हूँ आपके लिए। पहला सॉल्यूशन है कि डोंट यूज़ मैक्रो की फॉर विंडोज़ ऑपरेशन या विंडोज़ कॉम्बिनेशन। तो विंडोज़ कॉम्बिनेशन के साथ जो कीज़ यूज़ होती हैं उसको आपको नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा HP Omen Sequencer गेमिंग कीबोर्ड है और उसकी सेटिंग्स में मैं आपको मैक्रो की सेटिंग्स यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, जो P5 है उसको मैंने असाइन किया है लॉक स्क्रीन के लिए, जो कि एक हो सकता है गलती थी या जनरली हम लोग यूज़ करते ही हैं, बट ये प्रॉब्लम बन जाएगी ये मुझे पता नहीं था। तो यहाँ अभी भी ये स्टिल असाइंड है। तो देखिए, मैं आपको P5 से स्टिल लॉक करके दिखाता हूँ स्क्रीन। ये P5 से मैंने स्क्रीन लॉक किया और जब मैं इसे अनलॉक करूँगा तो यहाँ वापस जो है बाकी जो विंडोज़ की कॉम्बिनेशन कीज़ यूज़ होती हैं वो डायरेक्टली यूज़ होने लगेंगी। तो इसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, यहाँ
एक हिट एंड ट्रायल सॉल्यूशन तो ये था कि आप डायरेक्टली किसी, आपने जो दूसरी कीज़ असाइन कर रखी है मैक्रो कीज़, उसे प्रेस कर दीजिए तो आपका कीबोर्ड जो है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा, मतलब टाइपिंग वगैरह होने लगेगी। और दूसरा इसका अल्टरनेटिव यह है कि आपने जो मैक्रो की असाइन की थी विंडोज़ लॉक के लिए, उसे ही आप डिलीट कर दें और उसकी जगह कोई दूसरा ऑपरेशन या ऐप असाइन कर दीजिए। तो सिंपल से ये सॉल्यूशन था। यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन है कि आप शट डाउन या रीस्टार्ट कर लें अपने पीसी को, तो आपका कीबोर्ड जो है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। सिंपल सा स्टेप है ये। अगर इससे भी आपकी बात नहीं बन रही तो इसके बाद फिर सबसे फाइनल जो ऑप्शन है वो आपको भी पता है, रीसेट कर दें अपने पीसी को, फॉर्मेट मार दें। अगर फर्स्ट केस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे, तो सिंपल आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने पीसी को, तो उससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये तो रहे दोनों सॉल्यूशंस, और इन दोनों सॉल्यूशंस से आपकी बात ज़रूर बन जाएगी, आपका कीबोर्ड जो है वो नॉर्मल मोड में परफॉर्म करने लगेगा, टाइपिंग वगैरह बढ़िया से होने लगेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं नए नए अपडेट्स, नए पोस्ट के लिए, वहाँ भी हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, जाओ जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।